हाय गाइज, क्लास 10 फिजिकल साइंस क्लास नंबर 6 को आपन को स्वागत। या पूर्व आम पांचटा क्लास करते पांचटे आम समीकरण समतुल तापशोषी ताप उत्पादी जारण विजारण विस्थापन प्रतिक्रिया विषय आलोचना करते। वर्तमान पूरा विषयटी कंप्लीट होगापर एवं प्रश्नावली आलोचना करवा कि प्रश्नावली पूर्व भिडियो अच्छी ए आमे प्रथमे एक नंबर देखिबा। देखते एक नंबर रे प्रथमे लिखाई निम्न दर्शाई थी रासायनिक प्रतिक्रिया संबंध में क्यों उक्ति गुड़िक ठीक नुहे। तो देखिए टू पीबीओ प्लस सी गिव्स टू पीबी प्लस सीओ टू। तो एथिरे क्यों उक्ति ठीक नुहे आम देखा चारोटी उक्ति देखु लिखी लेड विजारित होउची कार्बन डाइऑक्साइड जारित होउची कार्बन जारित होउची लेड ऑक्साइड विजारित हो। तो ये चार्टा भितर के उक्ति ठीक नुहे। प्रतिकारक साइड रे लेड ऑक्साइडा उत्पाद साइड रे लीड ही तो ऑक्सीजन हर लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड जेहेतु ऑक्सीजन हर तो लेड ऑक्साइड विजारित हो। तो लेड ऑक्साइड विजारित हो कौटे लिखाई देखते लिखाई डी रे डी रे लिखाई लेड ऑक्साइड विजारित हो। प्रतिकारक साइड रे कार्बन अच्छी उत्पाद साइड रे कार्बन डाइऑक्साइड ही सीओ टू ही तो कार्बन डा ता माने जारित हो जे आगु मु जारण विजारण रे कहितली वीडियो को मध्य देखि परिबे से थरे मु कहितली जे ऑक्सीजन हरेबो से विजारित होउची एवं जे ऑक्सीजन गेन करिवो से जारित होउची। तो कार्बन जेहेतु ऑक्सीजन गेन करिची तो कार्बन जारित होउची एवं लेड ऑक्साइड विजारित होउची। तो क्यों उक्ति ठीक नुहे उपर दे क्यों उक्ति ठीक नुहे। तले आमर उपर जो दुटा लेड विजारित होटा ठीक नुहे कार्बन डाइऑक्साइड जारित होटा ठीक नुहे कार्बन जारित हो कार्बन डाइऑक्साइड होती लेड विजारित होड ऑक्साइड विजारित हो लेड सृष्टि तो उपर ए ओ बी दुईट उक्ति ठीक नुहे। तो आमर एक नंबर प्रश्नर आंसर रहइब आई आई ए ओ बी जो सेटा ठीक नुहे बुझिपारे क्लीयर। तापर चलते देखा सेकेंड प्रश्न सेकेंड प्रश्न लिखी एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू एल गिवस एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई उपर दी जा रासायनिक प्रतिक्रिया एक को टाइप प्रतिक्रिया सेटा आम देखा। फर्स्ट आम टर्म्स देखा एफ ई टू ओ थ्री होगी फेरिक ऑक्साइड एल माने एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड सहित एल्युमिनियम मिसले एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरम अलग हो। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गला एवं फेरमटा को अलग करदेला ताने ये कौन है यहाँ गला विस्थापन प्रतिक्रिया मान विस्थापित करदेला मान एल्युमिनियम लुहा को अलग ऑक्सीजन सहित मिसीगला सेटा हो गला विस्थापन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थ्री रे लिखी लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लुहा गुंड में मिसले कौन घटे। तो आम देखा प्रथम लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने टू एच सी एल टू एच सी एल होगी लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकि आम आयरन सहित मिसले कौन घटे चलो देखा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहले टू एच सी एल प्लस ता सहित आम लुहा गुंड मान एफि मिसले कौन घटे आमर एफि सी एल टू प्लस एच टू यहाँ हूँ लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता सहित आयरन मिसले आमर हाइड्रोजेनटा अलग होफि सी एल टू हो जाटा गोटे सिंगल डिस्प्लेसमेंट बा विस्थापन प्रतिक्रियार उदाहरण। तो आमर आंसर हम एफि सी एल टू प्लस एच टू। तो यहाँ कौटी अच्छे देखा बही रे तो आम जानले एफि सी एल टू प्लस एच टू बा आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन सृष्टि हुए। तो देखो ये दे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न हुए यही आंसर टी ठीक हे क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड उत्पन्न यहाँ भूल कौन रासायनिक प्रत्यय घटे नहीं भूल लौह लवण और जल उत्पन्न हुए भूल। तो आमर तीन नंबर आंसर हम ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न हुए। चार नंबर रे देला एक समतुल रासायनिक समीकरण समीकरण कौन रासायनिक समीकरण गुड़िक कहीं समतुल होगा उचित ए विषय रे रासायनिक समीकरण समतुल जो वीडियो अच्छी मोर से मुझे डिटेल्स ए उपरे मुझे
आई बटन क्लिक करूँ एवं यहाँ देखी नि चार नंबर आंसर आपको मिल जाव। पांच नंबर है निम्नलिखित उक्ति गुड़िक रासायनिक समीकरण लिखे समतुल कर यहाँ से ही भिडियो कही भिडियो देखने आप नंबर आ छ नंबर आंसर पाइबे केमती रासायनिक समीकरण को समतुल कर। नेक्स्ट देखो सात नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक समतुल रासायनिक समीकरण लेख एला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने आमर हो CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3 प्लस जल जल माने हेगला आमर H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टा आमर AQ लिखिबो CaCO3 CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तले AQ लिखा हबो। कार्बन डाइऑक्साइड टा होजे गोटे गैस से CO2 तले लिखा हबो G गैस। कैल्शियम कार्बोनेट टा सॉलिड कठिन CaCO3 तले लिखा हबो S H2O टा जल लिक्विड तो लिखा हबो जल। नेक्स्ट देला देखंतु लिखाई जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक होची हमर ZN सिल्वर नाइट्रेट होची AgNO3 AgNO3 रे हमें 2AgNO3 लिखिबा सिल्वर नाइट्रेट को 2AgNO3 लिखिबा गिव्स ZNNO3 रो होल टू प्लस 2Ag जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यार समतुल समीकरण टी कौन ला ZN प्लस 2AgNO3 गिव्स ZNNO3 रो होल टू प्लस 2Ag। तापर देखंतु लिखाई एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम रे आमे जानचे एल कॉपर क्लोराइड जानचे आमे CuCl2 कॉपर क्लोराइड CuCl2 काहेकि सेटा भी मु वीडियो रे कहिजी सेटा मते भलो कि वीडियो उडक जदि भलो गिरी आपण माने देखिबे तले ए सबुर आंसर आराम रे करि परिबे। तो जो माने भी वीडियो को देखिनांदी प्रथमे से पांचटा एगो वीडियो बहुत भलो भाबरे देखंतु आरंभरु शेष जाय ताले ए क्वेश्चन आंसर करिया को बहुत सुविधा हबो ए सब विषय रे मु से वीडियो रे आलोचना करूची। तो देछि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर एल्युमिनियम क्लोराइड माने होची AlCl3 प्लस कॉपर। एई पर्टिकुलर एई कथाटा मु कहितली कॉपर क्लोराइड रे CuCl2 होची एल्युमिनियम क्लोराइड रे AlCl3 होची कोन पई होची सेटा पूर्व वीडियो रे मु कहिछि त आपण देखि परिवे जाई। तो कॉपर हेगला Cu तो हमर समीकरणटा कोन हला एल प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। तापर देखते बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासीयम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटासीयम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होगा आमर BaCl2 पोटासीयम सल्फेट होगा K2SO4 बेरियम सल्फेट होगा BaSO4 प्लस पोटासीयम क्लोराइड होगा 2KCl। तो आमर समीकरण कौन हो BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl। ताको मोटे खातार लिख दूँ आप स्क्रीनशॉट नहीं करी नोट आकर रखिपर सात नंबर टाक देखु मुझे बर्तमान खातें चार्टा क्वेश्चन आंसर लिख देछि। तो यही भाव में से समीकरण गुड़िक लिखा सात नंबर ए रे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच टू ओ जिंक प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स जेड एन एन ओ थ्री रोल टू प्लस टू एच एल प्लस यू सी एल टू एल सी एल थ्री प्लस यू बी एस एल टू प्लस के टू एस एफ फोर बी एस एफ फोर प्लस टू के सी एल सात नंबर चार्ट आगर समीकरण मुझे लिख दीजिए आर स्क्रीनशॉट नहीं जानतु एवं नोट आकर व्यवहार करूँ। तो नेक्स्ट चलन जी आठ नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट आठ नंबर लिखाई आयरन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या आम कौन करवा समीकरण को लिखा और से गुटा कौ प्रकार समीकरण सूचेबा आठ नंबर क्वेश्चन अनुसार। तो लिखला आयरन सल्फाइड मान हूँ FeS एवं सल्फ्यूरिक एसिड मान हूँ H2SO4 आयरन सल्फेट मान FeSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मान H2S। तो यहाँ कौ टाइप र समीकरण एवं से समीकरण आकर आम केमती लिखा। तो चलो देखिए प्रथम समीकरण आगे केमती लिखा आठ नंबर ए को। तो आठ नंबर एटा देखु लिखाई आयरन सल्फाइड हूँ FeS प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हूँ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिडा बहुत इंपोर्टेंट एसिड मन रखिए H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस एच टू एस आठ नंबर यार समीकरणटा या हम। तो यहाँ हो गला आपण को प्रतिक्रिया
विस्थापन प्रतिक्रिया कहीं ना एटी जो एच टू एसओ फोर रु एच टू टा को विस्थापन करदे तो एफी जा एसओ फोर सहित मिसी जाठी एच टू जाशी जा एस सहित तो यू द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया आम कहीपर आठ नंबर ए आठ नंबर बी रे देला जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिंक कार्बोनेट माने ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड माने ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 तो एटा हि जो गोटे विघटन प्रतिक्रिया तो रासायनिक समीकरण है कौन जिंक कार्बोनेट माने ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड माने ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 तो यहाँ हो गए विघटन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखते लिखाई आठ नंबर सी हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो हाइड्रोजन गैस माने H2 क्लोरीन माने हूँ Cl H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड माने 2HCl H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl तो यहाँ हूँ गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बा संश्लेषण प्रतिक्रिया तो तार आमर समीकरण टी के H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl यहाँ आठ नंबर सी आठ नंबर डी देला मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मैग्नीशियम हूँ Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम जानले HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड मान MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपको समकरण समी मान समतुल कर लिखले कमी हे मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl Mg प्लस 2HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसला परे मैग्नीशियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस एठी विस्थापन होउचंती तो एटा होची गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया। तो नेक्स्ट आसंतु नौ नंबर को जा नौ नंबर लिखाई तापस उत्पादी और तापसोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कहले कौन हो उदाहरण दियो तापसोषी ताप उत्पादी प्रतिक्रियार कौन कह जाए तार उदाहरण बहीर बाहर उदाहरण देकी भल भाव बुझेगी से भिडियो को आप देखनी श्वासक्रिया को कहीं एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया भाव में धरा जाए थाए श्वासक्रिय आमर ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया भाव में कहीं धरा जाए सहीटा से भिडियो अच्छी ताप उत्पादी और तापशोषी प्रतिक्रिया भिडियो एक कथा कही सहीटा देखनी एगार नंबर विघटन प्रतिक्रिया कहीं संश्लेषण प्रतिक्रिय विपरीत बोली कहुए यह दुईट रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिख विघटन प्रतिक्रिया प्रतिकारक विघटित हो उत्पाद में परिणत हो संश्लेषण प्रतिक्रिया एक रु अधिक प्रतिकारक मिसिकी उत्पाद साइड्रे गोटे जौगिक प्रस्तुत करतीपाई संश्लेषण प्रतिक्रिया उत्पाद साइड एक रु अधिक प्रतिकारक मिसिकी गोटे जौगिक सृष्टि करतीपाई से संश्लेषण कहगला विघटन प्रतिक्रिया गोटे प्रतिकारक विघटित होगी एक रु अधिक मौलिक व जौगिक सृष्टि करें से कहला विघटन प्रतिक्रिया से मैंने विपरीत हेल्ले विघटन प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया तापर देखते तेरह नंबर में विस्थापन द्वैत विस्थापन या भिडियो अच्छी यहाँ देखिपर षोह नंबर देखते जारण विजारण देटा भिडियो बनई देखिपर बाकी जो क्वेश्चन गुड़ाक रहा से गुड़ाक आपण कमेंट्रे लिखत कौटा आप जानवाक चाहते तो से क्वेश्चन उपडियो निवरे बनईदेवी तो मु प्रथम आज एक रु आठ नंबर एवं बाकी जो गुड़ाक नौ दस एवं जोड़ा भिड बनई सारी भल भाव देखिले एतक रु मैक्सीम क्वेश्चन आपड़े इनफैक्ट सब क्वेश्चन करेंगे तथापि जदि किसी डाउट रोचे तेल कमेन्ट्रे निहाती भाव में जनातु डिस्क्रिप्शन रे कमेंट्रे जनातु मुहत भाव में तापरे वीडियो बनेगी आपको जनईदेवी तो जदि आप सब जानवाक चाहते तेल आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को भल भाव देखु बुझु तो निहती भाव आपन को सहज हम बुझापी तो नेक्स्ट चैप्टर में आम अम्ल क्षारक लवण पढ़ा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आसो से चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं ये क्वेश्चन आंसर भितर जो क्वेश्चन भी आपको डाउट अच्छे से क्वेश्चन कमेंट्रे लिखले मुनियाती भाव में वीडियो रे बनई देवी तो से पर्यंत स्टे ट्यून लर्न विथ लिपुन।